कुलदीप बिश्नोई का गढ़ कहे जाने वाले आदमपुर में अरविंद केजरीवाल रैली करने जा रहे हैं। परसों यहां पर रैली होगी और रैली का पूरा दारोमदार सुशील गुप्ता पर है। ये प्रभारी भी हैं आम आदमी पार्टी के और मेहनत भी कर रहे हैं। यहां पर कुलदीप बिश्नोई के घर पर भी गए थे और तमाम जितने भी यहां पर दुकानें हैं हर जगह जाकर के रैली का निमंत्रण दे रहे हैं और समर्थन मांग रहे हैं। इनसे जान लेते हैं कि किस प्रकार से इनको समर्थन मिल रहा है। गुप्ता जी, आप भजनलाल परिवार के घर में भी गए थे और आपने बाकी भी दुकानें सारी घूम ली, लगभग एक चक्कर आपने पूरा इस मंडी का मार लिया। कैसा समर्थन मिल रहा है और कैसे देखते हैं यहाँ की होने वाली रैली को? अरविंद केजरीवाल जी का मिशन मेक इंडिया नंबर वन, भारत को दुनिया का पहले नंबर का देश बनाना है। इसमें 130 करोड़ लोगों को आमंत्रित किया है, जाति और धर्म को छोड़ के, पार्टियों को छोड़ के, हर हिंदुस्तान के निवासी को आमंत्रित किया है कि इस अभियान से जुड़े। ये देश आजादी के 75 साल बाद भी हमारे पास कमी किस चीज की है? बढ़िया से बढ़िया नदियां हैं, पहाड़ हैं, खनिज है, दिमाग है, परंतु सब कुछ भ्रष्टाचार के बलि चढ़ गया। ये नेताओं की नीयत नहीं रही, ना अच्छे स्कूल दिए, ना अच्छे कॉलेज, ना हॉस्पिटल, ना डिस्पेंसरी, ना बिजली, ना पानी। आज भी व्यापारी डर के साए के नीचे जीता है कि ईडी आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगा, सीबीआई आ जाएगी, इनके विरोध में मत बोलो, इनके पक्ष में मत बोलो। आज भी पढ़ा लिखा युवक आजादी के 75 साल बाद हाथ में डिग्री लेकर दर दर घूम रहा है। हरियाणा के अंदर 50% छात्र बेरोजगार हैं। अगर मैं बात करता हूं किसान की, 1.5 साल बॉर्डर के ऊपर बैठ के आ गया, 750 से ऊपर किसानों ने शहादत दी। आज तक केंद्र की सरकार, हरियाणा की सरकार एक शोक प्रस्ताव पारित नहीं कर पाई। मैं बात करता हूं महिलाओं की, 6 बजे के बाद घर से निकलते हुए डरती हैं। ऐसा क्यों? क्यों मेरे देश के नौजवानों को दुनिया के बाकी देशों के अंदर जा जाके काम करना पड़े? हमारे नौजवानों के अंदर दिमाग की कमी नहीं है? सुंदर पिचाई जैसे नौजवान गूगल जैसे जाइंट का सीईओ के काम करते हैं, परंतु हिंदुस्तान में फैला हुआ भ्रष्टाचार, भय, अपराध और जंगल राज यहां पे काम ना करने देता। अरविंद केजरीवाल जी ने अपील की है कि हिंदुस्तान को ऐसा देश बनाओ यहां पे बढ़िया फैक्ट्रियां लगे, बढ़िया व्यापार चले। जो हमारे बच्चे विदेशों में जाने की बात करते हैं, विदेशों के बच्चे हमारे यहां हैं और हिंदुस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढे। मैं इस बात का निमंत्रण देने के लिए आज आदमपुर की मंडी के अंदर आया हूं। मैंने आदमपुर के सारे व्यापारी भाइयों को हाथ जोड़ के प्रार्थना की है कि अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, मिशन मेक इंडिया नंबर वन आदमपुर के अंदर आ रहे हैं। आदमपुर जो इस देश के अंदर परिवारवाद चला, जब तक कांग्रेस रही एक ही परिवार को सब कुछ चाहिए था, और भारतीय जनता पार्टी आई तो मित्रवाद चल पड़ा कि जो उनका मित्र उसके पास सारे पैसे। आदमपुर ही क्यों चुना गया, यही मंडी क्यों चुनी गई? ठीक इसका शेड जो है वो भजनलाल परिवार के बिल्कुल साथ है, 20 फुट का फासला है, यही जगह क्यों चुनी गई? क्या यहां से मान ले कि उपचुनाव का शंखनाद भी आप लोग करने जा रहे हैं? आदमपुर इसलिए चुना गया कि सबसे पहले हिसार अरविंद केजरीवाल जी यहां पर वो पढ़े बड़े हुए। आदमपुर इसलिए भी चुना गया कि ये परिवारवाद और मित्रवाद का एक अनोखा उदाहरण है आदमपुर। एक परिवार ने यहां पर राज किया और आदमपुर का विकास नहीं हुआ। उस परिवार को वर्तमान सत्ता के अंदर बैठे पार्टी हमेशा धोखाधड़ी का आरोप लगाती रही, अनेकों आरोप लगाती रही, ईडी सीबीआई भेजती रही, और आज कहा कि आप हमारे मित्र हो गए, दूध के दुले हो गए, अब आपका कोई अपराध नहीं रहा, अब आपका सब कुछ माफ। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं देश के अंदर राष्ट्रवाद आए, ये परिवारवाद खत्म हो, मित्रवाद खत्म हो। हिंदुस्तान की 85% पैसा 15% परिवारों के पास, 15 परिवारों के पास चला गया, परसेंट नहीं, सिर्फ 15 परिवारों के पास। क्या इस देश का 130 करोड़ लोग सिर्फ नौकरी करने के लिए, सिर्फ भूखा मरने के लिए? इस बात को सोचना पड़ेगा देश के लोगों को। कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल आए उनको चूरमा जरूर खिलाया जाएगा लेकिन वोट नहीं देंगे आदमपुर के लोग। वोट कुलदीप बिश्नोई ने नहीं देनी, आदमपुर की जनता ने देनी है, और आदमपुर की जनता किसी की बिकी हुई नहीं है।
आदमपुर की जनता अपने विवेक से काम करती है। आदमपुर चाहता है कि आदमपुर भी विकसित हो, आदमपुर की सड़कें भी अच्छी बने, आदमपुर के व्यापारी भी भयमुक्त हो, आदमपुर की महिलाएं भी घर से समय पर निकल सके, आदमपुर के जवान को भी नौकरी मिले, तो आदमपुर वोट देगा, कुलदीप विष्णु भी वोट नहीं देने वाला। दो दिन पहले मुख्यमंत्री ने 500 करोड़ की प्रोजेक्ट का यहाँ पर शिलान्यास उद्घाटन किया, ये चीजें पहले भी हो सकती थी? ये मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करते हैं, काम नहीं करते, ये वायदे करते हैं, वायदे निभाते नहीं है। इन्होंने कहा था कि हम हर घर को रोजगार देंगे, आज सब बेरोजगारी है। इन्होंने कहा था कि व्यापारी को संरक्षण देंगे, हरियाणा के अंदर नए उद्योग लगेंगे, कोई नया उद्योग नहीं आया। इन्होंने कहा था नोटबंदी कर रहे हैं 15-15 लाख रुपए काला धन पकड़ा जाएगा, हर आदमी के खाते में आया, नहीं आया। इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, नहीं दिए। तो इस तरफ फिर अमित शाह जी कहते हैं ये तो चुनावी जुमले थे, तो ये चुनावी जुमले हैं। आदमपुर में चुनाव आया तो जुमला छोड़ दिया, चुनाव खत्म तो जुमला खत्म। केजरीवाल को कल आप ज्वाइनिंग करवाने वाले हैं, क्या बता सकते हैं कि कौन ज्वाइन करने वाला है? हर आम आदमी बड़ा चेहरा है, हर आम आदमी पार्टी की खासियत यही है कि हम एक मोबाइल मैकेनिक से पंजाब के मुख्यमंत्री करवाते हैं, एक ढाबे वाले से चंडीगढ़ के मेयर करवाते हैं, एक ऑटो रिक्शा वाले से दिल्ली के मंत्रियों को कराते हैं। तो आम आदमी पार्टी में हर बड़ा चेहरा, हर रोज ज्वाइनिंग होती है। कुलदीप बिश्नोई को टक्कर देने के लिए किसको ढूंढा है आपने? आदमपुर की जनता, आदमपुर की जनता जिसको कहेगी वो लड़ेगा, आदमपुर की जनता के ऊपर फैसला है। करवा पाएंगे आप? हमारा काम नहीं, हमारा काम है जीतना, हम जीतेंगे, दावे के साथ जीतेंगे। तो देखा आपने किस प्रकार से दावा कर रहे हैं सुशील गुप्ता कि जीत आम आदमी पार्टी की होगी और कुलदीप बिश्नोई को हराएंगे, जिस प्रकार से पंजाब में भदौर की सीट भी मुख्यमंत्री को हरवाई थी और तमाम बड़े बड़े चेहरे पंजाब में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने हराए, इसी प्रकार से वाले 2024 में भी ये लोग जीतेंगे। लेकिन होता क्या है ये आने वाले समय में देखा जाएगा। कैमरा पर्सन वरिंदर के साथ मैं सुधीर पांडे, पंजाब के सीटीवी, मंडी आदमपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।